पैदल मत करूंगा, और तो मेरे पास सवारी तो है नहीं। टिकट मिल गया ठीक है, नहीं सारा काम परेशान है, एक आदमी बटन दबाएगा वोट सारी डालेंगे इसको। जी सर क्या कहोगे कि क्या कुछ निर्णय लिया गया आज? आज ये निर्णय लिया गया भाई 36 बरादरी सारा गांव सुनीता जी के साथ है, जहां भी 36 बरादरी जरूरत पड़ेगी टिकट ले आने के लिए या जैसा भी निर्णय लिया सारा गांव सुनीता बतान के साथ। आज क्या कुछ फैसला करेगा? हाँ पंचायत में क्या फैसला करे प्रशासन ने? बना दी सुनीता देवी, सुनीता बना दी, बना दी पूरा गाँव का गाँव पूरे ग्राम ने सर्वसम्मति से फैसला ले लिया सुनीता बतान को एमएलए बनाया जाएगा। एक एक वोट सुनीता बतान को मिलेगी गांव बरसाना से 36 बरादरी के लोगों से। जी सर क्या कहोगे कि क्या निर्णय लिया पंचायत ने? क्या कुछ फैसला लिया पंचायत ने? लिया जी हमारा पूरा गाँव 36 बरादरी एक है और सुनीता बतान का हर तन मन धन से सहयोग देंगे और इसका टिकट 100% जाऊंगे। क्या कहोगे तो बरसाना तो एक तरफा रह गया किसी को सरपंच एक बुडन के पूछो काम बैठो अभी तो पूछ ले मारे बम ना पूछ क्या तेरा मोसिया को मेरे लाने की अब की बात पूरा अच्छा होगा। जी मैम क्या कहोगे कि आज तो पूरे गांव ने समर्थन किया? हां जी हां जी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं अपने समस्त ग्रामवासियों का, बहुत खुशी आज मुझे, पूरा गाँव बरसाना एकता के सूत्र में बंध कर चलता है, हमारे बुजुर्गों की परंपरा को ये कायम रखेंगे बरकरार रखेंगे। बरसाना गांव जब भी देता है एक तरफा देता है, बरसाना गांव से ही कुंडरी हल्के की राजनीति शुरू होती है और आज आपका पूरा समर्थन दिया है, कितनी एनर्जी मिलेगी आपके चुनाव को? मेरे चुनाव को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, हमारे गांव का भाईचारा कायम है, आपस का प्रेम प्यार बहुत ज्यादा है, बड़ी खुशी आज हमें। अपने गाँव वासियों को क्या कहोगे? पूरे तन मन धन से सुनीता जी के साथ है जी, गाँव गाँव का फैसला है पूरे हल्के में, पूरे हल्के में होगा जी, जब हम रिश्तेदार के पास जाएंगे भाई बंधु के पास जाएंगे तो पूरे हल्के का होगा जी, छत्तीस बरादरी के साथ है बरसाने का पूरा जी, नहीं भाईचारा भी सारा सारा भाईचारा साथ है इसके साथ, पास हमारा गुआंड है जो हमारा अजवाना पाई करोड़ा ये सब हमारे साथी है, हमारे साथ है कोड़ पमनावा खेड़ी सिकंदर मुन्नेड़ी ये हमारे सब साथी है, अपनी हमारा गांव है, अपनी जो हम वोट देंगे वहाँ अपनी हम वोट देगा। पंचायत जाएगी दूसरे गाँवों में भी? पंचायत जाएगी सारा गाँव बच्चे तक लेकर लगाइए तक सब सब जाएंगे पूरे हमारा पूंडी हल्के में हमारा आपकी बार हक है वो टिकट लेने का अपना हक मांगा है किसी का हमने सब बनाए अभी तक सन नरेंद्र शर्मा बनाया ना रोड़ा ने वोट देगा मखना मैडे भाव ने बनाया जी साथियों देख सकते हैं कि बारी तो आपकी बार बरसाने के है ना बरसाने वोट देता है अभी तक लोगों को देता है अपनी बारी खुद की बारी आपकी बार हाँ हम अपने कैंडिडेट खुद बनाएंगे हम जी साथियों देख सकते हैं आज गांव बरसाना में पंचायत हुई है, पूरे गांव की 36 बरादरी यहां पर पहुंची है और इन्होंने एक मत से निर्णय लिया है कि अब की बार सुनीता बतान जैसा भी एक आदेश देंगी और जिस तरह का भी चुनाव लड़ेंगी तो इनके साथ पूरा गांव है, अब की बार बरसाना गाँव के लोग कह रहे हैं कि बरसाना गाँव एक मत होकर के चुनाव लड़ेगा, क्या कुछ लगता है सर अब की बार क्योंकि अकेले बरसाना से तो काम नहीं चलेगा ना, आगे क्या कुछ प्रचार रहेगा? सर हमने जितनी भी बार हल्के में चुनाव लड़े हैं हमने जब दूसरे बार वालों को वोट दिए हैं इलेक्शन में उनका तन मन धन से सहयोग दे तो इस बार हम उनसे अपील करेंगे कि हमें इस बार सुनीता जी को जितवाने में हमारा साथ दे। जी भाई साहब जी सर मैडम जी के साथ पूरे का पूरा गांव बरसाना जी पूरा साथ देख सकते हैं कि पूरा गांव यहां पर पहुंचा है, आज गांव बरसाना में पंचायत की गई है। राम राम ताऊ केश उतर होगा फिर बढ़िया जमा सुनी जब तान के जमा अच्छा सारी गांव में एक वोट नहीं पाटन का बिल्कुल भी दूसरे ने बना प्रजापति से है हर एक चीज की वह मिलेगी बिल्कुल जी।
जो दूसरे काम के एमएलए बना सके जो अपने काम को तो बना देंगे हम। हाँ जी पक्का जमा दूसरे खातर फिर से काम अपने वास्ते नहीं मिल सकता जी। साथियों बरसाना वासियों का कहना है कि बरसाना गांव के लोग हर बार यहां जो भी विधायक बनता है गांव बरसाना एकमत होके उस विधायक के समर्थन में वोट देता आया। आपकी बार बरसाना के लोग अपने कैंडिडेट के समर्थन में वोट देंगे। आप लोगों का क्या कुछ लगता है कि अब की बार बरसाना का ये फैसला कितना माहौल बदलेगा कुंडरी हलके की राजनीति में? तो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है आज बरसाना गांव की पंचायत में कि पूरे बरसाना गांव ने एकमत होकर के निर्णय लिया है कि सुनीता बतान के प्रयास के साथ पूरा गांव खड़ा है। रोड बरसाना भी हो जाने वो पारो पार है पिछले दिन रघोल ने भी बरसाने ने बनाया था और जीतेगा जो टिकट मिली जाने 100% बड़ी अच्छी वोटा तो जीतेगी सुनीता बतान। हाँ जी सर पंचायत हुई है निर्णय लिया सुनीता बतान का लिया जी सारे काम ना और उपटा साहब से टिकट मांग रहे कांग्रेस का टिकट सुनीता बतान ना मिलना चाहिए 90% उम्मीद भी है टिकट की। आज का देखो आप माहौल देख ही रहे हो जी पूरा छत्ती बिरादरी पूरा गांव इसे पुरानी चौपाल में इकट्ठा हुआ है। अच्छा जी और एक बार मौका देंगे पूरा मौका देंगे जी बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं आप भाषण सुन लियो जो भी विचार है इनके सुनीता बतान को इलेक्शन लड़ाएंगे टिकट दे दिया तो भी और नहीं दिया तो ज्यादा ही लड़ाएंगे। कैंडिडेट बरसाने को सारे एमएलए जो विधायक बने हैं पीछे सारे बरसाने गाँव ने बनाए आजाद बने सारे जिस गाँव के बरसाना लग गया उस आगे ले आया। अब की बार अपने गांव का कैंडिडेट उतारेंगे इसे जितने आगे ले आवेंगे हल्के ना भी कभी फर्ज बना हुआ इसको वोट दो बरसाना गांव वोट दे हर बार एमएलए को विधायक को जो भी बनाए पहले हमारे गांव में ना जो भी बनाया नहीं हमारे गांव में ना तन मंदन दसारे साथ खड़ो का बनाया ठीक है हमारे गांव की बारी है हमारे गांव ने मौका मिलना चाहिए आज थोड़ी हमारा काम साथ दिया है तो हमारे गांव ने साथ चाहिए अब की बार तो हमारे गांव ने मौका सारा काम और गुआन सारा चौवन गांव चौवन के चौवन गांव बरसाना चेक श्यामंद करो पैर पकड़ो अपने भाईचारे का अपनी रिश्तेदारी में हाथ भी जोड़ेंगे पैर भी पकड़ेंगे और पूरा गांव इसी बात भाई इकट्ठो होया सुनीता बतान का समर्थन कर दिया टिकट लेके आएंगे कांग्रेस पार्टी का वो भी आश्वासन है उड़ेगा नहीं दिया तो आजाद उम्मीदवार भी सुनीता बतान है एक तरफा इलेक्शन होगा आजाद करोगे जब टिकट मिल गया जी जी तो जमा पूरे तन मन धन था वो करेंगे इसका और नहीं मिले जब भी तन मन धन था जिस चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं पीस है कि तन की धन की सब उसके पास आए बस मानस जमा देख लिए सारे कर कर माले बहुत छह माले था हमने बनाए हैं उनकी काम नहीं करे के करे हमारा कुछ भी नहीं उड़ा लूट लूट कर ले गए विकास नहीं करे हमारे गांव में 20 लाइट लगा रखी वहाँ भी कहीं कहीं तो चोरी कर ला रखी दो कहीं तली आया के विकास कर रखा है देखिए विकास गली बना रखी है इतनी अच्छी अच्छी गांव की स्टेडियम में वो आया था नहीं रैली करी थी उस स्टेडियम का हाल देख लेकर बढ़ जाएगा कुछ नहीं काम रखे हो ना 0% काम हो रहा परेशान है भाई काम को नहीं करता भाई कोई भी आप मुंह पका हां ये बनाओगी काम अच्छा ये तो काम होगा काम करवाएगा वो हां और के जी मैम क्या कहोगे कि आज तो बड़े बुजुर्ग और नौजवान सभी का समर्थन आपको मिला है लेकिन 54 गांव अभी बाकी है लेकिन बरसाना गांव से राजनीति चलती है अब इतना आश्वासन आ गया कि अब 54 के 54 गांव में कहीं ना कहीं राजनीति और ज्यादा बढ़ेगी आपकी। देखिए सबसे पहले तो मैं अपने समस्त 36 बरादरी के बरसाना ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि आज समस्त ग्रामवासियों ने 36 बरादरी के लोगों ने इकट्ठा होकर मुझे जो प्यार और आशीर्वाद दिया इसके लिए मैं तह दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो कह रहे हैं कि पैदल भी वोट मांगने जाएंगे हम। हाँ मेरा पूरा गांव मेहनत करेगा 2 महीने चुनाव के हैं और ये कल से ही अपना काम शुरू कर देंगे हल्के में जाएंगे लोगों से वोट की अपील करेंगे समर्थन मांगेंगे और अब की बार बरसाना गांव में ये एमएलए देखना चाहते हैं। तो टिकट का जो आश्वासन था कहीं ना कहीं कितनी मजबूती मिली है कि सरकार ये चीजें टिकट तो पक्की है 100% प्लस पॉइंट तो महिला दूसरा प्लस पॉइंट रोड समाज से हूँ मैं तीसरा प्लस पॉइंट मेहनत सबसे ज्यादा कर रही मेरिट है मेरी तो टिकट तो मेरा मतलब के 101% टिकट है।
टिकट ले आओगी? जावे क्यों नहीं, जावे की 1000%। मैं देवी बनाऊंगा, उम्मीद का मारा काम है।